किसके इंतजार में कुंवारी बैठी है माता वैष्णो देवी। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से तीन पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही है जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता माता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, तब यहीं पर श्री राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान ना सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप भी उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी माता वैष्णो उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।